हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक है, थोड़ा शांति बना लीजिए। हरे कृष्णा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन शोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जनंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल 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 जय जय नंदा यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंदा यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल नंदा यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंदा यशोदा दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम सीता के पति राजा राम सीता के पति राजा राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम कौशल्यानंदन राजा राम कौशल्यानंदन राजा राम कौशल्यानंदन राजा राम कौशल्यानंदन राजा राम तुलसी यमुना साली राम
तुलसी यमुना शालिग्राम तुलसी यमुना शालिग्राम तुलसी यमुना शालिग्राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय जय प्रभुपा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल यो धर्मराज हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनाय तदधाम वृंदावना राम्या काचिदुपासना ब्रजवधो व्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेमा
अर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरे नापरा तत्रादरे नापरा लोकाभिरामं रघु लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी मनुज्वं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर्युत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरे उकलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार वरण रघुवर विमल जशो जो दायक फलचार नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः पंस्तत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित भगवान की चर्चा में
आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी वरिष्ठ वैष्णवगण, सभी भक्तों के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और आज का दिन हमारे लिए और भी स्पेशल है, क्योंकि हमारे शिक्षा गुरु स्वरूप परम पूज्य इस ग्रेस श्याम गोपाल प्रभु का आज यहाँ आगमन हुआ है। इस ग्रेस श्याम गोपाल प्रभु के अब जब गुरु सामने हो तब क्या बोला जाए ये कहना मुश्किल है। ऐसी उदंडता भी है मेरी कि प्रभु जी के सामने कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी की ही कृपा से आज ये दास जो कुछ भी बोल रहा है, जो कुछ भी भक्ति कर पा रहा है, प्रभु जी की ही कृपा है। मुझे याद भी आज है वो दिन जब प्रभु जी चारकोप सेंटर में रहा करते थे और मैं उधर से होकर कॉलेज जाया करता था, पीछे बैग टांग करके, कान में ईयरफोन लगा करके, और पीछे से कभी कभी देख लेते तो बुलाते थे, प्रभु जी सुनिए। भागने के फिर में होता था, पकड़ ना ले। कभी कभी जाता था, लेकिन कभी कभी मन होता था कि भाग जाओ, और जाता था तो कभी कभी प्रसाद के भी लोभ से जाता था। जब पहली बार गया था तो खुद भी खिलाया और घर के लिए भी भर पेट प्रसाद दे दिया, ले जाओ। ये प्रभु जी की अद्भुत कृपा है। कभी जब भी जाता था, और क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या प्रसाद चाहिए, पता ही नहीं था कि ये प्रसाद के बदले ये सब कराने वाले हैं। तो प्रभु जी की अद्भुत कृपा है। उसके बाद भी जब इस दास के मन में आया कि प्रभु जी हमारी भी इच्छा है कि आपकी तरह कुछ प्रचार कार्य किया जाए, तो सर्वप्रथम प्रभु जी से ही मैंने कहा था। प्रभु जी हैं और निर्माण महाप्रभु जी, दोनों को हमने कहा कि प्रभु जी इस प्रकार से इच्छा है, आदेश हुआ कि पढ़ना शुरू करो। पहले तो जब करता था, फिर आदेश हुआ पढ़ाई शुरू करो, फिर पढ़ने लगा। प्रभु जी की कृपा से आज ये दास प्रभु जी के सामने ही कुछ बोलने का साहस कर पा रहा है। तो मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि यह कृपा जो है आप बनाए रखिएगा इस दास पे, और अगर आदेश हो तो कथा शुरू कीजिए। प्रभु जी आदेश दे दिए, लग रही हो। आप तो नहीं थे, लेकिन राम कथा चल रही थी और राम कथा में हमने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र राज्याभिषेक होने वाला था, परंतु देवताओं के कहने पर देवी सरस्वती ने मंथरा के जीवा पर विराजमान होकर के इस प्रकार का कार्य किया, और जो भगवान श्री रामचंद्र राजा बनने वाले थे आज वह वन में जा रहे। आज वहीं से कथा कंटिन्यू होगी। तो गत सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार से देवी के कई बार बार भगवान दशरथ से कह रही, क्या ताप सवे सविशेष विशेषी, ताप सवे सविशेष शेषी, ताप सवे सविशेष उदासी, ताप सवे सविशेष
चौदासी तापस भेष विशेष उदासी तापस भेष विशेष उदासी तापस भेष विशेष उदासी तापस भेष विशेष उदासी चौदह बरिस राम बनवासी चौदह बरिस राम बनवासी चौदह बरिस राम बनवासी चौदह बरिस देवी कैकेयी ने कहा कि महाराज राज्य तो मेरे पुत्र भरत को मिलना चाहिए और उसके साथ ही साथ 14 वर्ष के लिए राम बहुत सुंदर बहुत प्रार्थना कर रहे महाराज कैकेयी तुम्हारी इच्छा थी कि राम राजा बने इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया केवल एक बार ही तो तुमसे नहीं पूछा और क्या किया बताओ और इतनी छोटी से अपराध की इतनी बड़ी सजा मत दो कह गई इतनी बड़ी सजा मत दो बार बार कह रहे बार बार महाराज दशरथ भयंकर शब्द कर रहे हैं धरती पे गिरे हुए हैं जैसे कोई बट वृक्ष मैं बिजली गिरी हो वह बट वृक्ष बरसों से जड़ जमाया वह बट वृक्ष धरती पर गिर जाए महाराज दशरथ गिरे हुए हैं और गिरे हुए रोते हुए कह रहे हैं कैकेयी तुम पर बहुत बड़ा कलंक लगेगा कैकेयी उस कलंक को गंगा जल भी पवित्र नहीं कर पाएगा कैकेयी आज भी अभी भी समय है कि आप अपना निर्णय बदल लो कैकेयी चुप है अपना निर्णय लेने बदलने के लिए तैयार ही नहीं अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार ही महाराज दशरथ बार बार सूर्य देव से विनंती कर रहे हैं भगवान भास्कर आज आप उदित मत होना क्योंकि अगर आप उदित हो गए तो अयोध्या का सूर्य कल डूब जाएगा अयोध्या के प्राण निकल जाएंगे एक दिन का चक्रवर्ती सम्राट आज रो रहा है यही है जीवन भक्त तो सोचा था कुछ और हो गया कुछ और भक्त तो जीवन किताब की तरह है एक पन्ने पर दुख तो दूसरे पन्ने पे एक पन्ने पे सुख दूसरे पर वियोग महाराज दशरथ बार बार मन ही मन सोच रहे हैं मैं मेरी सीता को क्या मुंह दिखाऊंगा सीता आकर के मुझसे पूछेगी कि पिताजी राम को आने में और क्या कितना समय है तो मैं क्या कहूंगा उस समय क्या कहूंगा महाराज दशरथ इस प्रकार बार 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 फूट फूट कर रोने लगे राम 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 रट विकल भुआला जणु बीन पंक बिहंग बेहाला महाराज दशरथ राम 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 जप रहे हैं जैसे कोई अपनी पंख कटा हुआ पक्षी तड़प रहा हो महाराज दशरथ भूमि पर गिरे गिरे तड़प रहा है इस प्रकार पूरी रात बीत गई और अवधवासी अवधपति के द्वार पर आकर के खड़े हैं आज राजा कौन बनेंगे राम बनेंगे सुमंद्र जी ने सोचा अरे अब तक तो महाराज को आ जाना चाहिए भाई रोज ब्रह्म मुहूर्त 3:30 होता था अवध वासियों के लिए 2:00 हो गया है सब आके खड़े सुमंत्र जी महाराज दशरथ के द्वार पे आकर के खड़े हैं अंदर गए तो देखा दशरथ जी मूर्छित अवस्था में पूछे सुमंत्र जी तुरंत दौड़कर महाराज दशरथ के पास महाराज क्या हुआ आपको क्या हुआ महाराज
महाराज दशरथ कहते सुमंत्र, सुमंत्र तुम कहते थे ना कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तुम कहते थे मैं बहुत भाग्यशाली हूं। सुमंत्र तुम बार बार कहते थे ना, आज तेरी नजर लग गई मुझे, नजर लग गई। सच कहूं सुमंत्र, मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली इस जगत में और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इतना कहकर पुनः महाराज दशरथ भूमि पर गिर गए, मूर्छित हो गए। बार बार मूर्छित हो रहे हैं, होश आ रहा फिर मूर्छित हो रहे हैं। सुमंत्र जी, सुमंत जी, मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया होगा, अपने माता पिता के दिल को दुखाया होगा, गुरु का अपराध किया होगा, पर्वतों पर आग लगाई होगी, मोरों को मारा होगा, गायों को काटा होगा। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। कैकेयी ने कहा, सुमंत्र जी ये ऐसे ही करेंगे, तुम जाओ और जाकर के राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी गए, राम और सीता दोनों पूजा का परिवेश बनकर पूजा कर खड़े रहते। सुमंत्र जी आए और कहा कि महाराज आपको बुला रहे हैं। तुरंत राम खड़े होकर चलने लगे। मन में संकल्प विकल्प हो रहा है, इस समय तो महाराज ने कभी नहीं बुलाया। भगवान श्री रामचंद्र उस कमरे में आए जहां पे कैकेयी खड़ी थी और दशरथ मूर्छित अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में जहां पे दशरथ जी पड़े थे वहां पर कैकेयी आई। कैकेयी को भगवान श्री रामचंद्र ने देखा, प्रणाम किया, राम कैकेयी के पास गए, प्रणाम किया। दशरथ मूर्छित हैं, दौड़ करके अपने पिता के पास गए। पिताजी क्या हो गया आपको, पिताजी क्या हुआ, क्यों ऐसी अवस्था, क्या चाहिए आपको बताओ। महाराज दशरथ विलाप करने लगे, आज मेरी अयोध्या लुट गई, आज मेरी अयोध्या लुट गई। महाराज दशरथ विलाप करते रहे, कुछ नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं। राम कैकेयी के पास गए, मां 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 तुम ही बताओ ना क्या हुआ है मेरे पिता को, मेरे पिता को क्या हुआ है मां। तो मेरे पिता को क्या हुआ, मेरे पिता को क्या हुआ है मां बताओ ना। बोले कुछ नहीं, मैंने दो वर तुम्हारे पिता के पास थापी के रूप में रखा था, वही मांग लिए, वही दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए रो रहे, मूर्छित हो रहे। बोले 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 मां क्या चीज बताओ ना, पिताजी नहीं दे पा रहे, मैं दूंगा बताओ, क्या चीज बताओ। बोले कुछ नहीं, मैंने तो पहला वर मांगा कि मेरा पुत्र भरत राजा बने। कौन राजा बने, मेरा पुत्र भरत राजा बने। राम तो परम प्रसन्न हो गए, मां इतनी सी बात, मैं रात भर तो यही सोचता रहा मां कि भरत ही राजा बनना चाहिए, भरत ही राजा बनना चाहिए, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली माते, मुंह की बात छीन ली आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली। मां मां और दूसरा वरदान क्या, कैकेयी ने कहा, दूसरा वरदान राम 14 वर्षों के लिए तपस्या का वेश धारण करके तुम्हें वन में जाना हो, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी, इतनी छोटी सी बात। अरे बाप रे, इतनी सी बात के लिए पिताजी मूर्छित अवस्था है। भगवान राम दशरथ के पास गए, बाबा बाबा आप चिंता मत करो, 14 वर्ष तो 14 मिनट की तरह समाप्त हो जाएंगे, बहुत जल्द मैं वापस आ जाऊंगा, मैं तुरंत जाता हूं अपनी माता से आज्ञा लेकर के आता हूं, वेश धारण करके आता हूं और निकल जाता हूं, ये है आज्ञाकारी पुत्र। तुरंत राम कौशल्या की आज्ञा लेने के लिए कौशल्या के पास पहुंचे हैं। कौशल्या को तो स्वप्न में भी नहीं था ना कि ऐसी घटना होने वाली है, कौशल्या तो तैयारी कर रही है। क्या जैसे ही भगवान गए हैं, बहुत सारे मिष्ठान बनाए और क्या कहते हैं,
आजा मेरे लाल खिलाऊं फल मेवा व मलाई, आजा मेरे लाल खिलाऊं फल मेवा व मलाई, आजा मेरे लाल खिलाऊं फल मेवा व मलाई, आजा मेरे लाल खिलाऊं फल मेवा व मलाई। राज तिलक के रत में रत थी, राज तिलक के रत में रत थी, अब शुभ घड़ी है आई, आजा मेरे लाल खिलाओ मेवा व मलाई, आजा मेरे लाल खिलाओ मेवा और मलाई, आजा मेरे लाल खिलाओ मेवा व मलाई, आजा मेरे लाल खिलाओ फल मेवा और मलाई। मेरे लला मुखमंडल तेरा कितना मुरझाया है, मेरे लला मुखमंडल तेरा कितना मुरझाया है, बैठ कुशासन दिवस बिताया कितना दुख पाया है, बैठ कुशासन दिवस गवाया कितना दुख पाया है, अब सिंहासन पर बैठोगे, अब सिंहासन पर बैठोगे, घर घर बजे बधाई, आजा मेरे लाल खिलाओ मेवा व मलाई, आजा मेरे लाल खिलाओ फल मेवा और मलाई, आजा मेरे लाल खिलाओ फल मेवा व मलाई, आजा मेरे लाल खिलाओ फल मेवा और मलाई। लाल तू आ मैं तुझे फल मेवा मलाई, आज वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका मैं इंतजार बरसों से कर रही थी कि मेरा बेटा राम राजा। राज तिलक होगा कुछ पल में ढोल मृदंग बजेंगे, राज तिलक होगा कुछ पल में ढोल मृदंग बजेंगे, मेरे लला का नाम बोलकर सब जयकार करेंगे, मेरे लला का नाम बोलकर सब जयकार करेंगे, झूम उठेगी सारी नगरी, झूम उठेगी सारी नगरी, गूंजेगी सहनाई, आजा मेरे लाल खिलाओ मेवा व मलाई, आजा मेरे लाल खिलाओ फल मेवा और मलाई। इस प्रकार देवी कौशल्या अपने पुत्र को लाड़ लड़ा रही, अनेकों प्रकार के व्यंजन प्रभु के लिए, और उसी समय भगवान राम ने कहा, माते माते अब ये तैयारी बंद करो। बोले क्या हुआ बेटा? देखिए राम चाहते तो बोल सकते थे, कैकेयी ने मुझे वनवास दिया है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि माँ माँ मेरे पिताजी ने देखा कि मैं बहुत गुणवान हूं। क्या हूं? बहुत गुणवान हूं, और इतना गुणवान लड़का एक छोटे से राज्य का राजा बने, ये ठीक बात नहीं है माते। इसलिए माता पिता दिन्नु मोहे कान न राजू, इसलिए है माता मुझे मेरे पिता ने फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया है, जंगल का राजा बना दिया है। कितनी मृदुल भाषा है माता, मैं आज से 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा हूं, मां मुझे आशीर्वाद दे। कौशल्या सुनकर तो एकदम सन्न रह गई, सन्न हो गई, ये क्या हो गया? कौशल्या की मर्यादा देखिए, कौशल्या कहती है, बेटा
बस तू वन में जा रहा है जा, इतना उत्तर देते जा कि ये निर्णय तेरे पिता का है कि तेरी माँ का है। बेटा यदि निर्णय तेरे पिता का है, मेरा अधिकार है, मैं अभी तेरे पिता के पास जाऊंगी और निर्णय को बदलवा दूंगी, एक मिनट में बदलवा दूंगी। लेकिन यदि निर्णय तेरी माता का है, कैकेयी का है, तो बेटा आज से वन ही तेरे लिए अयोध्या है, जा तुझे वन में जाना। कितना सुंदर चरित्र है, भगवान राम ने बहुत सुंदर माता से आशीर्वाद कहा लिया। माता ने कहा बेटा मुझे भी ले चलो, बहुत सुंदर मनाया, आप रहो पिताजी अकेले रहेंगे, बहुत सुंदर मनाया। और तब तक देवी सीता आई, प्रभु आप वन में जा रहे हो, मैं भी साथ में जाऊंगी। भगवान ने मनाया, नहीं नहीं नहीं, बताया प्रभु मैं 14 वर्षों तक आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं साथ में जाऊंगी। कहा ही मेरे माता पिता का ध्यान रखना। उसी समय कहा देवी सीता ने, जिय बिन देह नदी बिन वारी, तेषहु नाथ पुरुष बिन नारी। हे प्राणनाथ, इस संसार में स्त्री का सच्चा सुख किसके साथ है? अपने पति के साथ, पति के चरणों में। अपनी पत्नी को, पति को छोड़कर कहां सुख पाएगी? जैसे पानी के बिना कोई, बिना नदी कोई काम का नहीं होता, प्राण के बिना देह कोई काम का नहीं होता, वैसे पति के बिना पत्नी कोई काम नहीं होता। तब तक तो उधर से अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण जी आ गए, बड़े क्रोधित हो गए। भैया भैया, मैंने सुना है किसी ने आपको वनवास दिया है। जैसे सर्प के पीछे पूंछ के ऊपर कोई पांव डाल दे, सर्प फुफकार करके खड़ा हो जाए, वैसे भैया इतनी किसकी हिम्मत हो गई। जिस किसी ने आपको वनवास दिया उसके मौत के घाट उतार दूंगा। यदि दशरथ ने भी दिया है तो आज उन्हें भी मेरा सामना करना पड़े। भगवान राम ने लक्ष्मण को डांटा, तुम ऐसे वचन बोल रहे हो, तुम जानते हो हमारे पिता कितने धर्म संकट में है, प्राण जाए पर वचन न जाए, है? तुम नहीं जानते। भगवान ने लक्ष्मण को बहुत मनाया, भरत और शत्रुघ्न अभी नानी हाल में है, तुम्हें यहीं रहना होगा, जाना पड़ेगा। लेकिन कहा नहीं मत, नहीं भैया मैं रहूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा तो आपके साथ, और नहीं तो फिर। बहुत निवेदन करने पर भगवान मान गए, बोले ठीक है जाके माता से आज्ञा लेकर के आओ। ये देखिए, ये सुमित्रा का पूरा परिवार जो है ना, हमेशा पीछे रहा है रामायण में, पूरे रामायण में सबसे पीछे किसका परिवार, लेकिन त्याग किसके परिवार का सबसे अधिक? सुमित्रा के परिवार का। अद्भुत, त्याग पे त्याग, त्याग पे त्याग, लेकिन पीछे कभी आगे नहीं आया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। लक्ष्मण ने कहा जाओ माता सुमित्रा से आशीर्वाद लेकर के। लक्ष्मण जी सुमित्रा देवी के पास जा रहे हैं, एक एक कदम एक एक कल्प के समान लग रहे हैं। अगर माता ने जाने से मना कर दिया तो सेवा से वंचित रह जाऊंगा। गए, जाकर प्रणाम का किया और कहा कि माँ माँ, मेरा बड़ा भाई राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है, उनके साथ मैं वन में जाऊं। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा, इतना सुनते ही सुमित्रा क्रोधित हो गई और लखन को डांटने लगी कि लखन, तेरा बड़ा भाई राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है, तुम मुझसे पूछने के लिए आया, तुम उससे पूछने के लिए, तू उनकी सेवा करना चाहता है और मुझसे पूछने के लिए आया है। लक्ष्मण तुझे तो वहीं से साथ हो लेना चाहिए था, यहां आया क्यों? बेटा राम की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। बेटा लक्ष्मण, आज से राम ही तुम्हारे पिता है और सीता ही तुम्हारी मां है, और जहां वह दोनों साथ है, जहां पर सूर्य उदित हो, वही तेरी अयोध्या है बेटा। जहां पर राम खड़ा है वहीं पर तू है। और बेटा तुझे क्या लगता है कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है
अरे कई कई क्या, पूरी दुनिया की कोई ताकत राम को वनवास नहीं दे सकता बेटा। लेकिन क्या कहूं, देवी कई कई या भगवान राम वन में जा रहे हैं इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलने चाहते बेटा, इसलिए वनवास हुआ है। तुम्हारे ही भाग राम बन जा ही, दूसर हेतु तात कुछ नहीं, और कोई कारण नहीं बेटा। जा जा, तुम सो, तुम जा करके सेवा करो। जानती हूं बेटा मां के मुख से ऐसा वचन निकलना बड़ा कठोर है, लेकिन फिर भी तुमसे कह रहा हूं। 14 वर्षों तक अपने भाई और भाभी की इस प्रकार से सेवा करना कि इस एक पल के लिए वो अयोध्या की आस नहीं आए, एक पल के लिए। बेटा 14 वर्ष तक सोना मत, क्योंकि सोओगे तो सेवा नहीं कर पाओगे। 14 वर्ष तक तुम भूखे रह जाना, मगर राम और सीता को कभी भूखे मत रहना बेटा। जाओ जाओ, इंद्रियों का निग्रह करना और राम और सीता की सेवा करना। आज तक मैं अपने आप को पुत्रवती नहीं मानती थी, आज तक मैं अपने आप को पुत्रवती नहीं मानती थी, लेकिन आज से मैं अपने आप को पुत्रवती मान रही हूं, और मैं गर्व से कहूंगी कि मेरा भी एक पुत्र है और वह राम का दास है, राम का सेवक है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जसु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, जाकी सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जाकी सुत होई। बेटा आज से मैं संसार में कह सकती हूँ कि मैं पुत्र वाली हूँ, मेरा एक पुत्र है और राम का भक्त। संसार में वही माँ माँ है जिसका पुत्र राम और कृष्ण का भक्त, जिनका पुत्र राम और कृष्ण का भक्ति नहीं करता वह तो मात्र और मात्र अपनी जवानी काटने के लिए पुत्र पैदा किए, और कोई ऑप्शन नहीं। धन्य बेटा धन्य, जाओ। देवी सुमित्रा कह रही है जिस माँ का पुत्र राम और कृष्ण का भगत नहीं वह बेकार है, वह पुत्र कोई कार्य का नहीं। बेटा जाओ सेवा करो, धन्य जाओ। राम और लखन तपस्वियों का वेश पहनकर अयोध्या में वन में जाने के लिए तैयार हुए। तीनों ने तपस्वियों का वेश धारण किया। वशिष्ठ जी आए और कहा वनवास राम को हुआ है, सीता बेटा तुम्हें तपस्वियों का वेश पहनने की आवश्यकता नहीं है। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या में वन में जाने के लिए तैयार हुए। राम ने सुमंत्र जी को बुलाया, कार सुमंत्र मैं जानता हूं राम मेरी बात नहीं मानने वाला है, उसने निर्णय ले लिया है, इसलिए मेरा रथ लेकर के जाओ और 2-5 दिन में राम को घुमा करके वापिस ले आना। सुमंत्र जी अपना रथ लेकर के आए, राम लक्ष्मण सीता को बिठाए और जाने लगे। पूरी अयोध्या राम के पास आए, कहा हम जाने नहीं देंगे। भगवान ने समझाया लेकिन कहा नहीं, जहां राम रमैया वहां बसे अयोध्या, जहां भगवान श्री रामचंद्र वहीं अयोध्या। कितना समर्पण है। भगवान श्री रामचंद्र राम रथ पे बैठ करके जा रहे, पीछे पीछे अयोध्यावासी चल रहे हैं। जाते जाते वशिष्ठ जी का आश्रम आया, भगवान गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए गए, आशीर्वाद मांगे कि महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जंगल जा रहा हूं, जंगल में जा करके अच्छे से ऋषि मुनियों की सेवा कर सकूं और उनका आशीर्वाद दे सकूं। और हद तो तब हो गई जब राम ने कहा महाराज कुछ दिन के बाद मेरा भाई भरत नानिहाल से आएगा, तो बहुत जल्दी कोई अच्छा मुहूर्त देखकर उनका राज्याभिषेक कर दीजिएगा। कितनी ऊंचाई है भगवान राम की। वहां से चले आगे बढ़े, तमसा नदी के तट पर यह जुलूस रुका।
रुका और धीरे धीरे रात बीती अवध वासियों का, सभी लोग सो गए। भगवान रात को लगभग 12 बजे राम ने देखा कि सारी प्रजा सोई हुई है, सब लोग सोए हुए हैं। तुरंत राम ने सुमंत्र जी से कहा कि महाराज क्या कहते हैं, खोज मारी रथ हाँ कहूं ताता आन उपाय बनही नहीं बाता, खोज मारी रज हाँ कहूं ताता आन उपाय बनही नहीं बाता। ए तात हे चाचा जी, खोज मार कर रथ चलाओ क्योंकि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ऐसे रथ चलाओ कि चक्के का पहिया दिखे, वायु वेग से रथ को चलाए, वायु वेग से चलाए। और यह रथ श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर निषादों का गांव है और उस गांव का राजा निषाद राजकूत था। श्रृंगवेरपुर यह जुलूस पहुंचा है, निषाद राज गुह ने भगवान का स्वागत किया। आप जानते हैं कि निषाद राज और गुह और भगवान श्री रामचंद्र मित्र हैं। निषाद राज भगवान के बहुत बड़े मित्र। अच्छा, एक स्पेशल अनाउंसमेंट, आज भी जपमाला जा रहा है ना, जो लोग आज जपमाला लेंगे उनके लिए मेरे तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है फॉर एवरीवन, सभी के लिए, ठीक है। जो जप करना आज से शुरू कर रहे हैं उनके लिए मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है और मेरे पास लिमिटेड है, लगभग 40-50 तो होंगे। चलो ठीक है, ले लो, छोटा सा गिफ्ट है, बहुत बड़ा नहीं। तो श्रृंगवेरपुर यह बारात पहुंची है, रात हुई, भगवान राम सो गए, देवी सीता सो गए। गुह लक्ष्मण जी के पास आए क्योंकि लक्ष्मण जी तो पहरा दे रहे हैं और कहा, कई कई बड़ी दुष्टा है लखन, बड़ी बुरी है, उन्होंने बहुत गलत किया। वैसे लखनलाल तो बड़े क्रोधित हैं लेकिन आज लखनलाल जी का ज्ञान प्रकट हो रहा है। क्या कह रहे हैं, काहू न को सुख कुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता, निज भोग सब धाता। ए निषाद राज गु, कई कई के दोष, कई कई को दोष मत दीजिए, कई कई का कोई दोष नहीं है क्योंकि संसार में किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे सकता, तो हमें हमारे कर्मों की वजह से मिलता है। और गो भैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो साक्षात भगवान है, यह तो महाराज भूमि पर पृथ्वी की भार को दूर करने के लिए आए। अतः हे गो, कई कई का दोष मत दो, कई कई के पात्र को समझना पड़ेगा भक्तों। थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक प्रमाणिक संत से इसको सुना था, आपको मैं सुनाऊं, कई कई के पात्र को हमको समझना पड़ेगा। मंथरा इतना कह के चली गई कि उसने याद दिलाया कि दो वरदानों के बारे में, कि तुम्हें तुम्हारे दो वरदान है, उसे क्या करो, मांग लो। ये देखिए, ये जो है ना टीका है आचार्यों का अन्य शास्त्रों से, इसको बड़ा ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करिए, है ना। आज मैं आपको आपके सामने रामायण का एक अलग ही
प्रसंग अलग तरीके से आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए, मंथरा तो इतना कहकर के चली गई, उसे याद दिलाया दो वरदानों के बारे में। मौका का फायदा उठा सकती है, याद करो वो वरदान जो थापी के रूप में तुमने रखे थे। कैकेयी ने कहा, बताया क्या मांगू, तो पहला वरदान भरत को राजा और दूसरा राम को वनवास। मंथरा चली गई। कैकेयी, अच्छा मैं सोचती हूं। मंथरा चली गई। कैकेयी जी विचार करने लगी, मन नहीं मान रहा है, राम को ही राजगद्दी पर बिठाएंगे। आज मैं रामायण के टीकाओं का अलग प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना। मंथरा चली गई, कैकेयी का मन नहीं माना, राम को ही राज्य होना चाहिए, गादी तो राम को ही मिलना चाहिए। उसी समय महाराज 33 करोड़ देवी देवता कैकेयी के कक्ष में, 33 करोड़ एक नहीं, 33 करोड़ देवी देवता सबके कैकेयी के कक्ष में। कहते विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत सब इकट्ठे हो गए। हे माता कैकेयी, हम सब आपके ही शरण में। महाराज दशरथ के मन को किसी ने हर लिया है, उनकी मति मारी गई है, वो राम को गद्दी पर बिठा रहे। अरे यदि राज ये गद्दी पर बैठना होता तो अवतार क्यों लेते, वो तो वहीं पर बैठे थे। अवतार लेने का मूल कारण गद्दी पर बैठना नहीं है माते, अगर गद्दी पर बैठ गए तो अवतार लेने का मूल कारण जो है क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तुझमें ये समर्थ है माता, तू ही कर सकती है। तू अपयश का विष पी सकती है माता, पी ले। राम को राज्य गद्दी पर मत बिठा, उसे वन में भेज दे, सुलभ कर मां, वह जा के जन जन का उद्धार करेंगे। ये राज्य गद्दी का उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए अवतार नहीं है माता, वो तो वैकुंठ में भी कर सकते हैं। जनमानस के उद्धार के लिए अवतार लिए हैं माता, हमारी तुझसे ही आस है, तुझसे ही आस है, तू ही हम पर कृपा कर। एक अलग ही टीका है ना, हमें तुझसे ही आस है, तू ही यह कृपा कर, और कोई नहीं कर सकते। 33 करोड़ देवी देवता देवी कैकेयी के चरणों में गिर गए। तब माता कैकेयी ने वचन दिया, विप्रधेनु सुर संत के हित के लिए। कैकेयी ने सनातन धर्म से, सनातन धर्म को उत्तीर्ण करने के लिए, ध्यान रखिए कि यह सनातन धर्म कैकेयी के ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जो विष उसने पिया, उस विष के पान से यह सनातन धर्म, जो उसने अपने ऊपर कलंक लिया, उस कलंक से कैकेयी तो कभी नहीं होगी, लेकिन यह सनातन धर्म उनकी महिमा को कभी नहीं भूल सकता। एक माता की सामर्थ है, हमारी तुझसे ही आस है। देवता कह रहे हैं तू राम को राजगद्दी मत दे। अच्छा बता, क्या लिखेंगे वाल्मीकि जी रामायण में, क्या लिखेंगे? राम आए, विवाह किए, चल दिए, बस। अगर आप वनवास के कर्म को निकाल दें रामायण से, तो बच क्या जाएगा? ये 14 वर्ष का कालक्रम हटा दीजिए रामायण कार से, तो फिर क्या बच जाएगा? बस पढ़ाई किए, शादी किए, लड़े, खत्म। ये तो हर कोई करता है माता। कैकेयी तू राम का उद्धार कर, तू ही कर सकती है। दुनिया कैकेयी है, कैकेयी ने, सुनिए इस बात को, दुनिया कहती है कैकेयी ने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, ये बात नहीं है भक्तों। कैकेयी ने राम के लिए भरत को छोड़ दिया, किसके लिए? राम के लिए भरत को छोड़ दिया। कैकेयी जानती थी 14 वर्ष के लिए जंगल में जाएगा राम, राम तो 14 वर्ष के लिए जंगल में चला जाएगा, वापस भी आ जाएगा, राम और कैकेयी में कोई मतभेद नहीं होगा। कैकेयी क्षमा भी मांगेंगे चित्रकूट में जाकर के, और भगवान तो क्षमा मांगने से पहले ही उनके चरणों में गिर जाते, माते ये मत करना। पर इस निर्णय के लिए कैकेयी जानती है कि भरत जिंदगी भर के लिए उसे क्षमा नहीं करेगी, जिंदगी भर के लिए क्षमा नहीं करेगी, छोड़ देगा, उसके सकल तक को नहीं देखेगा। और यह हुआ,
जिनका जन्म जाता पुत्र उसके आंखों के सामने सात हाथ गड्ढे खोद करके महल के बाहर झोपड़ी में, वो भी जमीन पर नहीं, उस जमीन में सात हाथ गड्ढे खोद करके उस जमीन पर सोवे, तो उस माता की हृदय की स्थिति आप समझ सकते हैं, माताएं समझ सकते हैं, प्रभु जी लोग नहीं समझ सकते, ये स्थिति माताएं समझ सकती है। क्या स्थिति है, बात समझिए। कैकेयी जी ने भरत के लिए राम को नहीं छोड़ा, राम के लिए भरत को छोड़ दिया। वो ना समझ है जो कहते हैं इस प्रकार से। संतगण कहते हैं कैकेयी ने भरत के लिए राम को नहीं छोड़ा, राम के लिए भरत को छोड़ दिया, राम को बना दिया, भरत को छोड़ दिया। ये त्याग है। तब विचार करके कैकेयी जी बोली, नहीं कर सकती मैं। तब देवी देवता सरस्वती को मनाते हुए, माता शारदा अब आपको ही जाकर के कैकेयी जी की जीप पर बैठ के सारी बातें करनी पड़ेगी, कहलाओ, देवताओं का काम बना। कितनी भी कठोरता हो जाए, कैकेयी के मन में ये शब्द निकल ही नहीं सकते। देवताओं के हित के लिए, राम के उद्धार के लिए कैकेयी के जीव से सरस्वती ने यह कहलाया। और इधर भगवान धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके बहुत सुंदर केवट और नाविक, केवट और भगवान का प्रसंग है, आप जानते हैं, है ना। लूंगा तो काफी समय लग जाएगा, धीरे धीरे धीरे। भगवान गंगा देवी को पार किए, पार कर करके, पार करके ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जा रहे हैं, जा रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि प्रभु, माता ने 14 वर्षों तक वनवास दिया है, अतः अब आप बताओ कि मैं कहां रहा हूं। वाल्मीकि जी ने पूछा, प्रभु आप पहले ये बताओ कि आप कहां नहीं रहते हो। तो भगवान ने फिर भी कहा कि प्रभु अब बताइए कि मैं कहां जा करके रहूं। तब कहते हैं भगवान, स्थान का निर्देशन करते हुए कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी शुभग सरिनाना। हे प्रभु, इस संसार में जिनका श्रवण समुद्र के समान है, ऐसे धर्मपुरा गांव में जाकर के आप बस जाओ, जहां के भक्त तीन तीन टाइम कथा सुनने के बाद भी ना उबे, ऐसे ग्राम में जाकर के आप बस जाओ। भगवान इधर से आए भी हैं, बक्सर तो क्रॉस किए ही होंगे, अगर आप देखे होंगे, देखें तो आए ही होंगे, पता नहीं आपका। तो इस प्रकार जहां पे भक्त लोग भगवान की करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान वहाँ विराजमान होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं कथा, तो भगवान यहाँ निश्चित रूप से विराजमान है। फिर वाल्मीकि जी ने निर्देशन किया कि चित्रकूट में जाइए और रहिए। भगवान चित्रकूट चले गए, इधर सुमंद्र जी आए
और समाचार सुनाया तो कहते हैं राम राम कही राम राम कही राम राम तनु परिहर रघुबीर बिरहु राव गयो सुरधाम। राम 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 कह करके दशरथ जी ने अपने प्राण को त्याग दिए। भरत जी आए, यहाँ सारी बातें हुई और फिर भरत जी भगवान श्री रामचंद्र से मिलने के लिए आप जानते हैं कहाँ गए, चित्रकूट आए। भगवान श्री रामचंद्र देवी सीता कुटिया में बैठी हुई, लक्ष्मण जी लकड़ी काटने गए, तभी किसी ने सूचना दी कि भरत अपनी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। ये प्रसंग बहुत बड़ा था, वहाँ से लेके यहाँ तक का मैं बहुत शॉर्ट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ राम और भरत मिलाप करके यहाँ पे इस कथा को चित्रकूट में विराम दिया जाए। तो राम लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी आए हुए हैं और भी पूरी सेना के साथ। भरत अपनी पूरी सेना लेकर के आए, भगवान के पास आए और अनेकों दिनों से दबा हुआ क्रोध आज लक्ष्मण जी प्रकट करने लगे। जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत पूरी सेना के साथ आ रहा है, भगवान के मन में भाव बदलने लगे। बदलते हुए भाव देख करके आज लखनलाल क्रोधित हो गए और लक्ष्मण लाल कहने लगे, प्रभु आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्षमा कीजिएगा, बिना पूछे कहने के लिए जा रहा हूं। भरत यदि पूरी सेना के लिए आ रहा है तो निश्चित आपको मारने के लिए आ रहा है। वह चाहता है कि आपको मार करके वह पूरी दुनिया का राज ले ले, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वह क्या सोच रहा है कि राम चित्रकूट में अकेले होंगे, मैं मार कर पूरी दुनिया ले लूंगा, एक छत्र राजा बन जाऊंगा। भरत को यह पता नहीं राम के साथ लक्ष्मण है। भगवान श्री रामचंद्र रोकने लगे, लक्ष्मण ऐसा भरत के विषय में बोलना ठीक नहीं है, भरत साधु पुरुष है। भगवान ने कहा लेकिन लखन जी उदाहरण देते हैं, विषयी जीव को जब मान प्रतिष्ठा और भोग मिल जाते हैं ना प्रभु, तो बिगड़ जाता है। चंद्रमा बहुत अच्छा था लेकिन राजा बनने के बाद अपनी गुरु पत्नी का अपहरण कर लिया। राजा वेण बहुत अच्छे थे, राजा बनने के बाद बिदर गए। सहस्त्र बाहु भी बिगड़ गए। इस संसार में विषय जीव जब विषय सुख मिल जाता बिगड़ जाता है। वो आखिर कई पुत्र है प्रभु, आज भरत ने अपना रंग दिखा दिया है, कई का पुत्र है, विष की लता में अमृत के फल कहां से उगेंगे। रज धरती का रज ही होता है, लेकिन चरण लगते ही वह सर पे उड़ करके बैठ जाता है। प्रभु यदि भरत के मन में कुटिलता होती ना, कुटिलता नहीं होती तो पूरी सेना के साथ नहीं आता, अकेला आता। चतुरांगणी सेना लेकर के आ रहा है मात्र युद्ध करने के लिए। कायर है वो, दुष्ट है। आज आप मुझे मत रोकिएगा, क्योंकि जिस दिन ऋतुएं बदलती है और आपको और आप मेरी भाभी को भोजन नहीं मिलता है ना, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतना कह करके लक्ष्मण जी अपनी जटा बांध लिए, अपने कमर में तरकस कस लिए, हाथ में धनुष ले लिए। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में झुक गए, प्रणाम करने लगे और प्रणाम करते हुए कहने लगे क्या प्रभु, आज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं राम का सेवक होने का फल ले लूंगा। और लक्ष्मण जी के तरकस के वान हिलने लगे, हाथों में धनुष हिलने लगा। आज राम सेवक जसु ले ओ, बरदहि समर सिखावन देओ। आज राम सेवक जसु ले ओ, बरदहि समर सिखावन देओ। आज राम सेवक जसु ले ओ, बरदहि समर सिखावन देओ। हे प्रभु आज राम का सेवक होने का फल ले लूंगा, आज भरत को सबक सिखा दूंगा, रणभूमि में पछाड़ दूंगा। जैसे केसरी सिंह गजराज के मस्तक को फाड़ देता है, आज मैं भरत के मस्तक को फाड़ दूंगा। जैसे एक बाज छोटे छोटे पंछियों को रौंद देता है, वैसे भरत और शत्रुघ्न की सेना को रौंद दूंगा।
और आज भरत का पक्ष लेने के लिए साक्षात महादेव भी आ गए, तो आज मैं उन्हें भी पछाड़ दूंगा। जब इस प्रकार अनंत शेष लक्ष्मण जी बोलने लगे तो उनके वचन का असर पूरे वातावरण पर होने लगे और देख देवलोक में खल गई बच गई। जगु भय मगन गगन भई पानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। जगु भय मगन गगन भई पानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। सहसा कारी पाछे पछिताई कहीं बेद बुधत बुध नाही। सहसा कर पाछे पछताही कहीं बेद बुधते बुध नाही। देवलोक में हाहाकार मच गया कि कुछ अनर्थ नहीं हो जाए, दोनों में युद्ध हो गया। देवलोक में खलमली बच गई और इतने ही देर में देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण इस संसार में जो बिना सोचे समझे कदम उठाता है ना, बुद्धिमान लोग उसे बुद्धिमान नहीं कहते। जो जल्दी में काम कर लेता है ना, उसे बाद में पछताना होता है। लक्ष्मण पहले सोचिए समझिए फिर निर्णय लीजिए। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आया और कहा, प्रभु प्रभु, भरत आपके चरणों में शरणागत होने के लिए आ रहे। प्रभु सारी सेना पैदल चलते हुए आ रही है प्रभु, लेकिन जैसे ही जाना है भरत ने कि आप इस जंगल के एरिया में रहे हो, भरत जी पैदल चलना छोड़ दिए हैं और प्रभु उस एरिया से दंडवत करते हुए भरत जी आ रहे हैं। दंडवत करते हुए भरत जी जैसे चित्रकूट के बॉर्डर पे पहुंचे, चित्रकूट के सीमा पर पहुंचे, इससे पहले तो भरत जी नंगे पांव चल रहे थे, लेकिन जाना कि यह चित्रकूट धाम है, भरत जी वहां से दंडवत शुरू कर दिए। ये मेरे भाई, इतना सुनते ही लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लज्जा हुई। लेकिन आखिर राम तो राम है, भरत जी को राम और भरत सभी लोग आए, लेकिन भरत जी तो आखिर भरत हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भैया राम मुझे लेने के लिए आएंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। किसी ने संदेश दिया कि प्रभु उनके पूरे शरीर में दंडवत के कारण से छाले पड़े हैं, आप लेकर के आए। भगवान श्री राम अद्भुत आचरण, लक्ष्मण जी बाजू में खड़े थे तब भगवान श्री रामचंद्र बोले, मैं भरत को लेने जाऊंगा, लेकिन जब तक लखन आदेश नहीं देगा तब तक नहीं। लखन से आदेश लिए, लखन जी ने क्षमा याचना किया, कहा लखन मैं कहता था ना भरत साधु पुरुष है। और जाकर के भरत को गले लगा लिया और वहां बहुत सुंदर सभा लगी। भरत जी ने निवेदन किया, राम राज्य वापस चले, भगवान नहीं गए और अंतिम में भगवान ने अपनी चरण पादुका, भगवान की चरण पादुका लेकर के भरत जी अपने मस्तक पर रख करके उसे राजगद्दी पर विराजमान कराए और खुद सात हाथ गड्ढे खोद करके भरत जी बाहर सोए और फिर वहां से भगवान आगे कुछ दिन चित्रकूट में रहे और फिर आगे बढ़े। हरे कृष्णा। तो इस कथा को मैं यहाँ विराम दूंगा और आप सभी श्रोताओं का, स्पेशली नामहट सेंटर धर्मपुरा के भक्त लोग जो प्रत्येक दिन 3 टाइम कथा सुनने के लिए आते हैं, वो भी रेगुलर, आज तक मैंने ऐसी श्रद्धा कहीं नहीं देखी। आप बहुत अद्भुत भक्त हैं। इस दास के ऊपर कृपा करिएगा कि कृष्ण की सेवा और कर सकूं, राम की सेवा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद इस दास के ऊपर बनाए रखिएगा। मैं पहले ही अस्वीकार किया था कि मैं कोई विद्वान नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं, एक साधक हूँ, अपने आप को साधने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने गुरु महाराज से
श्रीमद् भागवतम से, रामायण से, श्रील प्रभुपाद से, अपने शिक्षा गुरुओं से जो कुछ सुना हो, जो कुछ सीखा हो, वही इस मंच से आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया। अगर इस दास के मुख से कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। मैं विशेष ध्यान धन्यवाद दूंगा हमारे परम पूज्य राम श्याम प्रभु का, जिन्होंने यहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान किया। प्रभु जी आज से लगभग 2 महीने पहले ही मुझे फ़ोन करके कि प्रभु जी कथा करनी है, भक्तों की इच्छा है, कुछ सुनना चाहते हैं, 2 सत्र में कथा करनी है। वैसे देखा जाए तो प्रभु जी माता जी भी दोनों ही बहुत सुंदर तरीके से भक्ति कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और हमें चाहिए कि हम ऐसे भक्तों के स्टेप्स को फॉलो करें, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, जो चरण, मतलब क्या कहते हैं, चरण चिन्हों पे चलें, है ना। राम श्याम प्रभु, माता जी का नाम मुझे पता नहीं है, क्या नाम माता जी का, अनुराधा, अनुराधा देवी माता जी का, दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से भक्ति कर रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, अन्य अन्य जगह पे भभुआ में भी काफ़ी सुंदर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। जब से आया हूँ तब से प्रभु जी लगातार एकदम तत्पर रहते हैं सेवा के लिए, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। वो भले रात को 2 बजे क्यों ना हो, 2 बजे भी प्रभु जी परेशान रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। और तो मैं ऐसे भक्तों के चरण चिन्हों को फॉलो करना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। मैंने देखा है कि प्रभु जी काफ़ी चिंतित रहते हैं यहाँ के भक्तों के लिए कि प्रभु जी किस प्रकार से और भक्त बने, किस प्रकार से भक्ति हो, किस प्रकार से लोग और जप करें, साधना अपना मजबूत कर सके। तो यह निश्चित शुद्ध भक्तों का पहचान है कि वह हमेशा चिंतित होते हैं अपने भक्तों के लिए जो उनके अंडर भक्ति कर रहे हो, है ना। और धन्यवाद है मामा जी का और मामी जी का, सुदेवी माता जी और मदन मोहन प्रभु जी, मंगल मनोहर प्रभु जी। ये तो मतलब एकदम सेवा के मूर्त हैं दोनों, बोलो भाई। 3 बजे रात को, 2 बजे, 2:30 बजे रात को भी झाड़ू ही मारते हैं और देखता हूँ सवेरे उठ करके तैयार हो गए मंगला आरती में। बाप रे बाप, अद्भुत है। कुछ भी हो, कोई भी सेवा हो, अरे प्रभु जी आप खाली बोलिए,
अद्भुत सेवा, ये सेवा की भाव। आप सभी भक्त बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे भक्तों का आपको संग मिला है। माता जी को भी देखता हूँ कि लगातार मंगला आरती हो, जप हो, किसी हर एक समय कभी ओक्ताना नहीं। ओक्ताना समझते ना है? क्या घबराना नहीं, मतलब बहुत सारे सेवा हो जाने के बाद बोलते हैं ना, नहीं करूंगा छोड़ दो, कभी नहीं। अद्भुत है। वैसे ऐसे शुद्ध भक्तों की वजह से ही इतने सारे लोग बने हैं, और यह निश्चित मैं आशा करता हूं कि यह जो अभी 50-60 लोग आ रहे हैं, मुझे आशा है कि निश्चित एक आध साल में यह 100-200 की जो है ना लिमिट बॉर्डर बहुत जल्दी टच कर लेगा, बहुत जल्दी टच कर लेगा। आसपास के गांवों को भी जोड़ रहे हैं। अद्भुत, बहुत अद्भुत है ना। हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य श्याम गोपाल प्रभु का भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी आज इस अंतिम दिवस में आकर के हमें अपना संग दिए। प्रभु जी के वजह से ही हम हो, राम श्याम प्रभु हो, और भी बहुत सारे भक्त जो हैं सो थोड़ी बहुत कुछ इस लायक बने हैं कि कुछ कह सकें, नहीं तो पता नहीं हम भी अभी कोई कंपनी में ही जाकर कैसे कर रहे होते। हमारे उपेंद्र शर्मा प्रभु जी, धर्मेंद्र प्रभु जी, और भी मैं सभी भक्तों का जिनका नाम नहीं जानता हूँ, जिन्होंने इस व्यवस्था को इतनी सुंदर तरीके से किया, तो अद्भुत। मुझे तो प्रभु जी ने बोला था कि प्रभु जी हॉल में करेंगे, ठीक है क्या दिक्कत है, आके तो देखता हूँ, यहाँ तो इतनी भव्य व्यवस्था है, क्या बात है। बहुत अद्भुत, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग किए, इसके लिए सभी सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र शर्मा प्रभु जी, उपेंद्र कृष्ण दास प्रभु जी, क्षमा चाहूँगा, किसी का दीक्षा हो जाने के बाद उसके भौतिक नाम से बुलाना ये अपराध है, क्षमा चाहूँगा। उपेंद्र कृष्ण प्रभु जी, लगातार यहाँ म्यूजिक की भी सेवा, प्रसाद की भी सेवा, यहाँ के भक्तों में जो सेवा की भावना है ना, बड़ा अद्भुत है भाई। मंदिर में आप देखें तो भक्त लोग सेवा एक दूसरे पर थोपते रहते हैं और यहाँ पर लेते रहते हैं, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। अपनी सेवा किसी से नहीं करानी है, दूसरी सेवा के लिए प्राण तक देने पड़े तो दे देना है ना। अपनी सेवा नहीं करानी है, दूसरे की सेवा। मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज मुझे बता रहे थे, कुछ सेवा तो जीवन में नहीं किया, थोड़ा सा कुछ किया तो महाराज बोल रहे थे कि अच्छा है आप में सेवा की भावना है, नहीं तो गृहस्थों में तो केवल लेने की भावना होती है। तो ये आप लोग में बहुत अच्छा है कि आप लोग इस प्रकार से सेवा कर पा रहे हैं, है ना। हमारे म्यूजिक टीम से आए हुए, क्या नाम हुआ आपका, मोहित, जिन्होंने काफ़ी सहायता किया। साउंड सिस्टम के संतोष जी, जो पूर्व में भी बजा चुके हैं और काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। और हमारे ये दोनों भगत जो देवघर से आए हैं, अभिषेक प्रभु, नमन प्रभु, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। अभिषेक प्रभु बहुत ध्यान रखते हैं, बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो यह ध्यान रखते हैं। यहाँ ही नहीं, सेंटर पे भी हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही होती है कि कब क्या करना है, कौन से दिन में क्या प्रोग्राम करना है प्रभु जी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कौन से ड्रामा कैसे करना है, भक्तों को कैसे बुलाना है, नगर संकीर्तन कैसे निकालना है, गीता का स्टॉल कब लगाना है, गीता डिस्ट्रीब्यूट कब करना है, सब कुछ कहें। और ये लगते तो हैं देखने में बड़े, लेकिन हैं बहुत छोटे, है ना। देखने में लगते कि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हैं बहुत छोटे, है ना। लेकिन बहुत, इनके पिताजी भी काफ़ी शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी कृपा से यह हैं। नमन प्रभु जब से आए हैं तब से एकदम लगातार सेवा में, प्रभु जी क्या चाहिए, एक ग्लास पानी भी मुझे उठाना नहीं पड़ता है, ये मेरा, और मैं इस लायक होने की इतने सेवा करे, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से किया, मैं इतना बड़ा पापी कि इन लोगों से सेवा ले रहा हूँ। ये सब सभी उच्च भक्त हैं, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस ग्राम के वासियों का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। और यह हमने पहले भी कहा था कि यह ग्राम अब ग्राम नहीं रहा है, यह क्या हो गया है, धाम हो गया है।
वैसे इसका नाम तो पहले से ही धाम की तरह ही है, धर्मपुरा धाम की जय, जगत गुरु शिला प्रपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि 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 ओ हरे कृष्णा। ठीक है, और आप सभी भक्तों से निवेदन है, आराम से आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया अधिक से अधिक जप करिए, अच्छे तरीके से जप करिए, अच्छे तरीके से जप करिए। ध्यान रखिए, जितना अच्छे से अच्छे तरीके से आप जप कर सकें, ठीक है। और अगर जप करने में कठिनाई हो, अगर आप मंदिर में आकर के जप कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मंदिर में नहीं आकर के जप कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जप कर सकते हैं। मैं भी उसमें रहता हूँ जप करते हुए डेली। आज तो एक यहाँ से कोई जुड़ा था, कौन जुड़ा था, कोई छोटा बच्चा, हाँ वो एक छोटा बच्चा, क्या नाम है इसका, कौन है छोटा? अच्छा, मतलब आपका भतीजा लगा, प्रभु जी का भतीजा है। आज देखा मैं जुड़ा, अरे मैं पंडाल से कौन लाइव है, बोला अच्छा ये है, बोले ठीक है बहुत अच्छा है। तो ये बच्चा भी आपको मदद कर देगा कि किस प्रकार से जोड़ना है। साधारण कोई है नहीं, आप हमारा नंबर ले सकते हैं, उस पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, और वहां से आपको गूगल मीट का लिंक दिया जाएगा जहां से आप जुड़ करके हमारे साथ जप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर मंदिर में आते हैं, मंदिर सर्वप्रथम है, प्रभु जी के एसोसिएशन में सबसे अच्छा है कि आप करें मंदिर में। लेकिन अगर घर से कर रहे हैं, भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल मंदिर वाली फीलिंग होगी, और आप अनुभव कर पाएंगे कि हमारा कब सोयला माला हो गया पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चलता है हमें। ये सारे बच्चे लोग ये यही रहते हैं, आपके बगल के ही किसी शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? औरंगाबाद। औरंगाबाद में रहते हैं इनके माता जी, ये डेली सवेरे सवेरे जुड़ करके जब करते हैं हमारे साथ, क्या दिक्कत है। और यही नहीं, दूर दूर से जुड़ते हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं, अमेरिका इत्यादि से भी, इंडोनेशिया इत्यादि से भी लोग जुड़ते हैं, दुबई इत्यादि से, कि भाई जप करेंगे साथ में। डेली 5 बजे आप देखेंगे 30-40 लोग आ गए जप करने के लिए। तो आप लोग भी आ सकते हैं और जप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें एक व्हाट्सएप करेंगे तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो और ये सारी कथाओं को अगर आप सुनना चाहते हैं, पुनः रिपीट सुनना चाहते हैं, इसके रिकॉर्डिंग से सुनना चाहते हैं, तो आप इसको YouTube पे सुन सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन तो होगा, ये स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन का यूज़ हम ना जाने Facebook, Instagram किस किस के चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन YouTube पे हमारा एक छोटा सा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे नाम से ही वह चैनल है, रूपानुगदास के नाम से ही। आप YouTube पे डालेंगे तो आ जाएगा, और ये सारी कथाओं का आप श्रवण वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सारे के ऑडियो वीडियोस क्या है वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और इसी के साथ अगर प्रभु जी अनुमोदन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर और कोई कुछ भक्त लोग कथा के विषय में कुछ कहना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा 2-2 मिनट करके आधे घंटे का सत्र हो और अनुमोदन कथा के विषय में बोला जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सबसे पहले हम श्याम गोपाल प्रभु से ही 2 मिनट समय देते हैं कुछ इस कथा के विषय में, या जो भी है अपने मुखारविंद से हमें सुनाए। हरे कृष्ण श्री राधे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने, नमस्ते प्रभुपादि देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन स्तारिणे। हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ होता है। पिछले 10-11 साल से
लगातार यहाँ कथा रूपी अमृत की धारा बहती है। और जैसा कि हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री रूपानुगदास प्रभु जी बताए कि भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, तो मैं हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत कम उम्र से ही प्रभु जी भगवान की भक्ति में लग गए। जैसा कि कथा में बताए प्रभु जी, जब मुंबई कांदिवली चार कोप में मैं लाल गोविंद प्रभु जी के साथ रहता था, उनकी सेवा में, उनकी कथा में, तो प्रभु जी वहाँ आते थे और लाल गोविंद प्रभु के मंदिर में बहुत सारे कंप्यूटर और नेट कनेक्शन वगैरह था, तो ये प्रभु जी लोग आया करते थे और ये लोग फेसबुक पर कुछ कथा सत्संग शेयर करते थे लाल गोविंद प्रभु जी का। तो उस समय अभी फेसबुक क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, बहुत कम लोग जानते थे। तो हम लोग तो वहाँ लाल गोविंद प्रभु की सेवा में रहते थे, प्रभु जी को देखता था कि ये फेसबुक पर प्रभु जी की कथा अपलोड कर रहे हैं। तो उसी समय से हमारे रूपानुगदास प्रभु जी से परिचय हुआ। जैसा कि प्रभु जी बताए कि जब भी आते थे तो मैं वहाँ इंचार्ज था लाल गोविंद प्रभु के मंदिर का, तो प्रसाद खिलाना, साथ में रहना, और ये आते थे तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि रूपानुग प्रभु जी के अंदर सेवा की भावना बहुत थी। वहाँ भक्तों की आज्ञा का पालन करना, भक्तों की सेवा में लगे रहना। तो मैं एक चीज़ देखा हूँ कि जो लोग सेवा में लगे हैं, जो स्वामी बनने के चक्कर में रहते हैं या लीडर बनने के चक्कर में रहते हैं, वो प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन जो दासानुदास, जो भक्तों के दास का दास बनते हैं, वे भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं और समाज में, भक्तों के समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। तो ये खासियत हमने देखा है रूपानुगदास प्रभु में। हालांकि ये बहुत विद्वान हैं, जब मैं इनको माला पहनाया तो प्रणाम भी नहीं करने दिया, और जब मैं आया आज, क्योंकि मैं गाजीपुर में कथा में था, प्रभु जी भी बहुत याद कर रहे थे, राम श्याम प्रभु भी एक महीना पहले से ही बोले थे, लेकिन तीन महीना पहले ही मेरी कथा का गाजीपुर में समय रखा गया था वहाँ। तो अब क्या करें, धर्म संकट था, लेकिन फिर भी अंत भला तो सब भला, आखिरी दिन आ ही गया आप लोग के समक्ष। तो मैं देखा हूँ रूपानुग प्रभु जी हमेशा सेवा की भावना इनके अंदर रहती है, सेवा की भावना, माला पहनाए फिर भी वो प्रणाम करें। जब मैं आया तो रास्ते में रोड पर ही प्रभु जी प्रणाम करना शुरू कर दिए, वांछा कल्पत रूपेश। हालांकि प्रभु जी बाद में जुड़े हम लोग से, इस्कॉन में मैं 98 से ही जुड़ा हूँ, प्रभु जी बाद में जुड़े, लेकिन मैंने देखा है रूपानुग प्रभु अपना गृहस्थ जीवन, माता पिता, अपनी सरकारी नौकरी, सबको लेकर इतना मेहनत करते, दिन रात कथा की तैयारी, श्लोक याद करना, और इतना विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं, ये कब पता चलेगा, जब आप इनका यूट्यूब पे प्रवचन सुनेंगे, रोज लाइव आते हैं, पता नहीं कैसे इतनी बातें याद होती है, श्लोक। हालांकि ये विद्वान हैं, परंतु इनकी विनम्रता है कि अपने से जो पहले से इस्कॉन में जुड़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो 20-30 साल से इस्कॉन में है वो महान है, 10-5 साल का भी भक्त अगर शुद्ध भक्ति करे तो 30 साल वाले भक्त को पीछे करके आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही रूपानुगदास प्रभु हैं, इनकी महानता है कि हम लोगों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो हृदय से मैं रूपानुगदास प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। और तत्पश्चात राम श्याम प्रभु जी, जो कि मुझे याद है कि जब मैं 2009 में भभुआ आया था और डॉक्टर विश्रमदास प्रभु मुझे राम श्याम प्रभु जी से मिलाए इनके मेडिकल पर, तो राम श्याम प्रभु जी में बहुत जिज्ञासा, बहुत क्वेश्चन करते थे, प्रश्न, 4-4 घंटे हम लोग बैठ कर वार्तालाप करते थे कंटिन्यू, रोज प्रतिदिन, और इतनी जिज्ञासा, इतनी जिज्ञासा। उसी समय हालांकि प्रभु जी भक्त नहीं थे, लेकिन मुझे विश्वास था
कि जिस दिन ये भक्त बनेंगे, इतने बड़े भक्त बनेंगे, इतने प्रचारक बनेंगे, और मेरा जो विश्वास था आज वो मैं देख सकता हूँ और आप लोग भी देख सकते हैं। प्रभु जी अपने गांव में कथा कराने का संकल्प लिए 10-11 साल पहले, हालांकि उस कथा में किसी की रुचि नहीं थी। भभुआ के जितने भी लोग थे और भी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि रोकने वाला काम किसी ने किया था तो नाम लेना ठीक नहीं, तो लोग कह रहे थे अरे कुछ लाभ नहीं होगा, गांव में कथा क्या कराएंगे, भभुआ में ही प्रचार कीजिए। लेकिन राम श्याम प्रभु को वो सब बाधाएं रोक नहीं सकी और वे हम लोगों को बुलाए, मुंबई से सब भक्त आए, अचल गोविंद, सैलपाणी और भी कई भक्त, और पहली कथा यहाँ जब होने वाली थी तो गांव में चर्चा का विषय था क्या होगा, कैसा कथा होगा, और जब हमारी टीम आई इस्कॉन की तो सब नव युवक, सब बच्चे अनमैरिड, तो गांव के लोग बोले ये लड़के सब आए हैं ये क्या कथा करेंगे। अरे बड़े बड़े कथाकार आते, पंडित आते, जटाधारी, तिलकधारी, 40-50 साल के सीनियर लोग आए तो ठीक है, ये बच्चे सब आए हैं। लेकिन जब यहाँ कथा शुरू हुई, कीर्तन शुरू हुआ, प्रभात फेरी शुरू हुआ, ऐसा धमाल हुआ, ऐसा धमाल हुआ कि आज तक वह भागवत कथा का क्रम चलता आ रहा है। तो वास्तव में इस्कॉन के भक्त चाहे किसी भी उम्र के हों, चाहे सीनियर हों या कम उम्र के हों, प्रभुपाद जी से उनके अंदर शक्ति आती है, चैतन्य महाप्रभु शक्ति का संचार करते हैं। तो वास्तव में इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, सब प्रभुपाद जी, राधा गोविंद महाराज जी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यहाँ का प्रचार कार्य चल रहा है। तो मैं हृदय से रूपानुगदास प्रभु, राम श्याम प्रभु और इस धर्मपुरा के कथा कमेटी के सभी सदस्यों का और साथ ही साथ धर्मपुरा और आसपास से आए हुए सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अनुमोदन करने के लिए प्रभु जी पहले तो मुझे दे दिए, लेकिन मैं अभी उस योग्य नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझसे भी सीनियर भक्त यहाँ आए हुए हैं, हमारे संगीत माधव जी जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, अभी आप देख सकते हैं इतनी उम्र हो गई है फिर भी गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं, हमारे यादवेंद्र दास जी और धनवंतरी दास जी, ये सब जो भक्त हैं ये गुरु महाराज जी के समय के भक्त हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कच्चा चना खा खा कर अधौरा के जंगल पहाड़ में हरि नाम का प्रचार नंगे पैर कांटे और कंकड़ में चलकर पथरीले और जलते हुए रास्ते पर चल के भक्त किए हैं। तो मैं संगीत माधव दास जी, यादवेंद्र दास जी और हमारे धन्वंतरी दास जी, ऐसे महान महान भक्त आपके गांव आए हुए हैं, इनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्मपुरा ग्राम की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभु जी कह रहे हैं अब धर्मपुरा गांव नहीं है, अब धर्मपुरा धाम की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोग सुने हिज ग्रेस रूपानुग प्रभु भी बहुत प्रशंसा की फूल ही बांध दिए, और जो बचा कुछ आता हो तो श्याम गोपाल प्रभु जी ने पूरा ही कर दिए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, एक जो वैष्णव होता है ना वो कभी भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को याद कीजिए, तेणादपि सुनीचे ना तरोर युवा सहिष्णु ना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो स्वयं अपने मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहता है, दूसरे को सम्मान देना चाहता है। अब विचार कीजिए, मुझे याद आ रहा था कि अगर मैं प्रथम बार इस माध्यम बना था, प्रथम बार कथा का, तो अगर श्याम गोपाल प्रभु जी नहीं होते तो कौन करता, कौन कथा सुनाता। और आज अगर हिज ग्रेस रूपानुगा प्रभु जी नहीं होते तो पता नहीं यहाँ पर अभी भी नामभट सेंटर होता कि नहीं होता। तो आज जो भी आप देख रहे हैं इसमें मेरा कुछ अपना श्रेय नहीं है, ये वरिष्ठ वैष्णव की कृपा है, साधु आशीर्वाद है, और ऐसे जब भक्तों की कृपा आशीर्वाद होता है तो वास्तव में विकास होता है, लोग भक्त बनते हैं,
भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर एक बात कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन सत्संग कहते किसको हैं भाई? बिन सत्संग, सत्संग किसको कहते हैं? सत प्लस संग, सत का जो संग करे वही सत्संग है। तो सत क्या है? तो भगवान शिव ने अपनी पत्नी उमा से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत क्या है? भगवान श्री हरि का भजन और ऐसा कार्य जो कि हमें भगवान श्री हरि के भजन का संग करा दे, वही सत्संग है। जहाँ पर हमें कृष्ण का संग करने का सौभाग्य मिले, कृष्ण की कथा सुनने का सौभाग्य मिले, भक्तों के संग करने का सौभाग्य मिले, क्योंकि सत्य यही है और जो इसका संग करता है वही सत्संग है। तो जब व्यक्ति सत्संग करता है तो उसको विवेक होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक का क्या मतलब है? विवेक का मतलब होता है जो सत्य और असत्य को समझ सके, जो समझ सके कि यह संसार जो है असार है और भगवान की भक्ति, भगवान का नाम सार है। जो यह समझ सके कि इस जीवन में क्या हमारे लिए ग्रहणीय है, किसका हमें सेवन करना चाहिए, किसका हमें त्याग करना चाहिए, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाए उसी को हम कहेंगे कि इसके पास विवेक है। नहीं तो सबके सब मूर्ख हैं। बुद्धि होने से क्या हुआ? आज कौन नहीं जानता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? कौन नहीं जानता है? सबको पता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन विवेक नहीं होने के कारण हम उस सिगरेट को नहीं त्याग पाते हैं। क्योंकि विवेक नहीं है तो इस बात का उसको ज्ञान ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है कि सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हमारे लिए नहीं है। तो यह कहाँ प्राप्त होता है? सत्संग में। तो प्रभु जी आए, और भी शास्त्रों में बात कही गई है कि संत मिलन सम सुख नाही जग में। संतों का जब मिलन होता है, वैष्णव का जब समागम होता है, तो इसमें जो आनंद सुख होता है और कहीं नहीं है। 7 दिन हमारे बीच हिजग्रेश रूपानुगा प्रभु आए, बहुत सुंदर राम कथा, गीता क्लास, भागवत कथा श्रवण कराए। और वास्तव में प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया है कि आने वाले साल 2 साल समय में यहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, बहुत से लोग नाम जप से जुड़ने वाले हैं, और ऐसा मुझे भी पूर्ण विश्वास है। और इसके लिए जहाँ तक संभव होगा मेरा अथक प्रयास रहेगा कि लोग भगवान की भक्ति से जुड़े। इसके लिए चाहे जो भी हो, लोग कभी कभी कहते हैं कि ये नामहट सेंटर छोटा पड़ जाएगा, मैं उनसे यही बात बोलता हूँ कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, इसको तुरंत तोड़वा के बड़ा कर दिया जाएगा। किसी भी चीज के लिए चिंता करने की कभी कोई जरूरत नहीं है, केवल आप भजन कीजिए और मंदिर आइए, अपने जीवन को कृष्णमय बनाइए, अपने जीवन को पवित्र बनाइए, बाकी कृष्ण और वैष्णव, शुद्ध वैष्णव भक्तों के ऊपर छोड़ दीजिए। तो वास्तव में हम प्रभु जी के बहुत ही आभारी हैं, जो कि इस गर्मी में भी, अभी मैं ऊपर में हूँ तो पता चल रहा है कि कितनी गर्मी लग रही है। तो वास्तव में इस गर्मी में भी बैठकर प्रभु जी 2 घंटा 3 घंटा हम लोग को अमृतमय वचन सुना रहे हैं। तो आइए हम प्रभु जी का हृदय से महामंत्र से भार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ आज हमारे बीच श्याम गोपाल प्रभु, आर्गन वादक, मृदंग वादक, और प्रभु जी के साथ जो नमन और एक अभिषेक जो भक्त आए हैं, साथ ही साथ धन्वंतरी प्रभु,
राघवेंद्र प्रभु, संगीत माधव प्रभु, सारे भक्तों का हम महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ प्रभु जी तो अनुमोदन कर ही दिए हैं, लेकिन मैं भी अपने तरफ से विशेषकर दो भक्तों को, एक तो संतोष प्रभु जी को जिनका की डीजे साउंड है, और एक श्री भगवान प्रभु जी को जिनका की ये टेंट और जनरेटर लाइट की व्यवस्था है। देखिए, पैसा लेकर तो सब सेवा करता है, लेकिन जो वास्तव में कम खर्च में, बहुत ही कम खर्च पे इन लोगों ने सेवा दिया है, इसके लिए हम बहुत इनके आभारी हैं। और बहुत से लोगों को डाउट भी लग रहा था, हमें भी डाउट लग रहा था कि पता नहीं डीजे सही बजेगा नहीं बजेगा, कार्यक्रम क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हरी इच्छा से बहुत ही सुंदर इन लोगों ने कोऑपरेट किया। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत कम खर्च में, इतना खर्च में कभी भी संभव नहीं है, एक प्रकार से समझिए कि सेवा भाव ही है। तो मैं इन दोनों भक्तों का भी हरी बोल बोल कर इनका आभार व्यक्त करेंगे। हरी बोल। साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें हमारे इस नामहट सेंटर के भक्तों का अमूल्य योगदान है। जब मैं आया और जब यहाँ पे आपस में हम लोग बैठ के चर्चा किए, तो सारे भक्त बोले कि नहीं प्रभु जी, कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम लोग इस कार्यक्रम को हॉल में सोचे थे, लेकिन फिर भक्तों की इच्छा हुई कि नहीं, इसको पंडाल प्रोग्राम ही किया जाए। तो हमने बोला कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं आपके साथ हूँ, पंडाल प्रोग्राम ही हो। तो वास्तव में इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर मैं नहीं, और ये हमारा कार्यक्रम भी नहीं है, ये तो रूम का चाबी प्रभु जी दे दीजिए थोड़ा वाइन। ये तो हमारे इस नामहट सेंटर के भक्तों का कार्यक्रम है, जिसमें कि मंगल मनोहर दास, उपेंद्र कृष्ण दास, डॉक्टर तेज नारायण राय, मार्कंडे राय, शिवचन राय, डॉक्टर जीत नारायण राय, धर्मेंद्र कुमार, अजय राय, राम नारायण राय, शिवजी राय, बाल्मीठ राय, मोतीलाल प्रभु, राजवंश राय, राधेश्याम राय, सुरेंद्र प्रभु, अक्षयवर राय, कामेश्वर प्रभु, मुरलीधर राय, ये सब जिन भक्तों का हमने नाम रखा, ये डेली इस कार्यक्रम में सुबह और शाम मंदिर में आते हैं, मंगला आरती में और संध्या आरती में। और इन्हीं भक्तों का ऐसा उत्साह था कि मैंने थोड़ा सा प्रेरित किया और सबके सब भक्तों ने बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया और इस कार्यक्रम को करने में सहयोग भी दिया। तो इनके उत्साह से और इनके सहयोग से आज आप इस पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। तो इन भक्तों का भी हम महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसा लगता है कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी सब सुन रहे हैं। ये भगवान का नाम बार बार बुलाया जाता है कि जीव जागो, कम से कम इस बहाने भी तो बोल लिया कीजिए। जो सुनने लायक बात है सुनिए, और जहाँ बोलने का मौका मिले तो बोलिए, जहाँ नहीं बोलना होगा वहाँ इतना चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि गांव के लोग भी सुन लेंगे। झगड़ा हो जाए तो देखिए कितनी ताकत आती है, लेकिन भगवान का नाम बोलने का मौका मिले तो बिल्कुल, ना तो हाथ उठाएंगे और ना बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस नामहट सेंटर में भी मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कमलापति राय और राकेश राय जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को हॉल से निकालकर इस पंडाल में स्थापित किया। मैंने तो हॉल में क्लियर करके चला गया था यहाँ से, लेकिन ये लोग बार बार फोन किए
और जब मैंने इनके उत्साह को देखा तो मुझे यही लगा कि अगर कोई भक्त आगे बढ़ना चाहता है, उसका उत्साह है, तो ऐसे भक्तों के उत्साह को बढ़ाना चाहिए। और मैंने भभुआ से उनको स्वीकृति दे दिया और मैं कमलापति राय जी को और राकेश राय जी को बुलाना भी चाहूँगा इस स्टेज पे। आइए। हालांकि बहुत ही संकोची हैं, हमें नहीं लगता है कि वो आएंगे, वहीं से हाथ हिला रहे हैं, लेकिन प्राय सभी लोग जान रहे हैं आज इस छत के नीचे जो आप बैठे हैं ये इन्हीं भक्तों का विशेष योगदान है। गांव में जाकर चंदा कलेक्शन करना, प्रतिदिन सेवा में, हर प्रकार की सेवा में, कहाँ जनरेटर, कहाँ ये, कैसे प्रसाद बनवाना, क्या करना, सामान लाना, विधि व्यवस्था देखना, सारी जिम्मेवारी इन भक्तों के ऊपर है। तो वास्तव में ये भी हमारे एक नामहट सेंटर के भक्त हैं और ये भी मैंने उस लिस्ट में इनका नाम नहीं रखा क्योंकि मुझे विशेष प्रकार से इनका अनुमोदन करना था, लेकिन ये दोनों भक्त और इनका परिवार भी इस नामहट सेंटर से जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन आते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन गाते हैं और साथ में हैं। तो इन सब भक्तों की बहुत बड़ा सहयोग है, प्रयास है, तो मैं इन भक्तों का भी आभार व्यक्त करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना ही नहीं, इस सेंटर से जुड़ी हुई प्रभु जी जितनी भी माता जी लोग हैं, इनका योगदान तो अब हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर 4:30 बजे भी मंगला आरती का समय निर्धारित होता है तो 4:15 बजे यहाँ पर उपस्थित मैंने देखा है। घर होने के बावजूद भी मैं ऊपर अभी फ्रेश भी नहीं हुआ तब तक माता जी लोग आकर नीचे से गेट खटखटाना शुरू। ये जो माताओं में उत्साह है और प्रतिदिन माता जी लोग कम से कम 15-20 की संख्या सुबह में रहती है और शाम में भी कम से कम 30 तो मिनिमम रहती है, और इस बार तो बाढ़ ही मचा हुआ है जप लेने वालों का, तो ये बहुत ही सुंदर संकेत है भविष्य के लिए। तो माताओं का भी हम विशेष आभारी हैं क्योंकि यहाँ भी 7 दिन आरती पूजा करना, ठाकुर जी को ले जाना लाना, भोग लगाना, शयन आरती कराना, ये सब कुछ जिम्मेवारी। और इतना ही नहीं, प्रत्येक एकादशी को जो यहाँ कार्यक्रम होता है, कोई आप सोच रहे हो कि बाहर से कोई हलवाई आकर प्रसाद बनाता है, नहीं, इन माताओं का ही श्रेय है कि जो एकादशी के दिन आते हैं उनको प्रसाद मिलता है। ये 1-2 बजे अपने घर से आकर यहाँ पर सेवा करती हैं और सभी भक्तों के लिए प्रसाद बनाती हैं। तो इन माताओं का भी हम हरे कृष्ण महामंत्र सभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में, चूंकि आज भंडारा भी है, दूर दूर से आए हुए सभी ग्रामवासी और दूसरे गांव से आए हुए जो भी महाभागवत प्रेमी वैष्णव भक्त और जो वैष्णवी बताए हैं, इनका भी हम हरि बोल बोल कर आभार व्यक्त करते हैं। हरि बोल। साथ ही साथ आज हमने एक ग्रुप बनाया है, इस्कॉन नामहट धर्मपुरा, और आज के बाद इस ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर होने वाले किसी भी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी। और इस ग्रुप में बहुत सुंदर सुंदर छोटा छोटा दिव्य संदेश भेजा जाएगा, जिन संदेशों को हमारे गुरु महाराज जी ने, प्रभुपाद जी ने बताया है, या एक बहुत सुंदर सुंदर उसमें मैं वीडियो डालूंगा, छोटा छोटा क्लिप, जिसको सुनकर आप जहां भी रहेंगे आपकी रति मति कृष्णमय बन सकती है, आप कृष्ण की भक्ति से जुड़े रहेंगे, अथवा आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में के माध्यम से आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं और अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो आज मैंने करीब करीब 30-40 लोगों का इस ग्रुप में ऐड किया हूं,
तो आज जो लोग नहीं जुड़े हैं, चाहे पुराने या नए भक्त या आज के जो नए लेने वाले हैं, तो ये लोग मेरे पास अपना व्हाट्सएप नंबर देकर, एक आध नंबर ऐसा भी मिला है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलता है, तो व्हाट्सएप नंबर देकर जुड़ सकते हैं। और एक सूचना और है, आज मुझे कुछ हिसाब किताब के भी बारे में बताना था, लेकिन कुछ डिस्टर्ब मैं नहीं कर पाया उसको, तो बहुत ही जल्द, चूँकि आज कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कल मुझे यहाँ से निकलना होगा, चूँकि कल हमारी ट्रेन है, बाहर जाना है, तो कल मैं निकल जाऊँगा, तो हम लोग आपस में बात कर लेंगे, कल अगर संभव होता है निकलने से पहले तो हम लोग हिसाब किताब बता देंगे, शो कर देंगे, और अगर नहीं होता है बाय द वे तो दो चार दिन के अंदर ही इसको बनाकर और शेयर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम लोग, हनुमान जी तो हैं नहीं, हम भी एक इंसान ही हैं, और इंसान से गलतियां होती ही रहती है। तो इस कार्यक्रम के दौरान मेरे शब्दों से या मेरी क्रियाओं से या फिर मेरे व्यवहार से किसी की भावनाओं को अगर ठेस लगा हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी बात कि अब मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि मैं अपने हृदय को फाड़ कर दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या है, लेकिन इतना जिसको विश्वास है, मैं इतना अवश्य इस व्यास मन से विश्वास दिलाऊंगा कि जब से मैंने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है, तब से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में कितना परिवर्तन पाया हूँ इसका मैं खुद अनुभव करता हूँ। लेकिन आने वाले समय में और भी अच्छे वैष्णव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कभी भी किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दुखी करना नहीं होता है। उद्देश्य एक ही है कि जिस रस का स्वादन मैं कर रहा हूं, जिस प्रकार से मुझे लगता है कि भगवान के नाम जप करने से, भगवान की भक्ति करने से जो परम आनंद की प्राप्ति होती है, यह आनंद मेरे साथ रहने वाले लोगों को भी मिले। आपको यकीन नहीं होगा, मैं ऐसे ऐसे लोगों को कांटेक्ट करके बताया हूँ कि आप आइए, और यहाँ तक मैंने उनसे बोला है कि अपने रिलेटिव को भी मैंने बोला कि अगर आपको लगता होगा कि मैं वहाँ जाऊँगा और दक्षिणा दूंगा, एक दिन ड्यूटी करूंगा और फॉर्मेलिटी पूरा करके चला आऊंगा, तो आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे मुझे पैसा लेने के लिए मैं आपको वहाँ नहीं बुलाता हूँ। मैं आपको इसलिए बुलाता हूँ कि आप भगवान के भक्त नहीं हो, आप आओ, और आपको अगर आना होगा तो सामने व्यास आसन के सामने बैठ कर आपको कथा सुनना होगा, तब आप आइएगा, अन्यथा आप अपने घर पर रहिएगा। मैंने देखा पिछले सत्र में कई एक बार मैंने देखा कि रिलेटिव स्वजन आते थे, आएंगे, चार घंटा रुकेंगे, 500-1000 रुपया देंगे, बोलेंगे प्रभु जी अब मैं चलता हूँ। तो मेरे मन में भी एक ग्लानी होती थी, लोगों को लगता था कि पैसा लेने के लिए मैं बुलाता हूँ। तो मैंने इस बार डायरेक्टली बोल दिया कि अगर आपको कथा से प्रेम होगा, कथा सुनना चाहते होंगे, तो आप हमारे यहाँ आइएगा, आपका स्वागत है। और मैंने अपने बहुत से लोगों को बुलाया, अपने दोस्त प्रेमी को भी बुलाया, क्या आज भी मैंने फ़ोन किया कई एक लोगों की, कम से कम भंडारा है आ जाइए, प्रसाद खाइए, अपने परिवार को भी प्रसाद लेकर जाइए, कुछ लोग आए भी हैं। तो उद्देश्य अब कोई समझे या न समझे, अब इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस व्यास मंच से उद्देश्य केवल एक ही होता है, लोग कृष्ण की भक्ति करें,
कृष्ण का भक्त बने। और इसके लिए जो भी संसाधन की जरूरत पड़ेगी, प्रतिवर्ष मैं कहता हूँ, चाहे घर हो, इस स्कूल के डायरेक्टर बोले धीरज जी कि अभी एडमिशन का समय चल रहा है, स्कूल बंद हो जाएगा। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि जिस दिन मैंने आपको स्कूल दिया उसी दिन मैंने आपसे कहा था कि किसी भी समय हमको अगर कथा कराना होगा तो आपको 8 दिन के लिए स्कूल बंद करना होगा। आपको अच्छा लगे तो आप स्कूल रखिए, नहीं अच्छा लगे आप कोई और विकल्प चुन लीजिए। हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें इस कथा की चिंता है। बस कथा होनी चाहिए, विकल्प है तो आप बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और कथा में जो प्लेटफार्म बना है, जो वैष्णव की सेवा, बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए प्रसाद, दुनिया जो भी है, ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। जैसे प्रतिवर्ष पिछले साल 2-3 वर्ष पहले धर्मेंद्र और उपेंद्र, कृष्ण प्रभु हरवंश जी थे और भी भक्त लोग थे, ये लोग ऑर्गेनाइज करके कार्यक्रम किए थे। इस बार कमलापति जी, राकेश जी हैं, ये लोग आगे आके इस कार्यक्रम को संपन्न करने में पूर्ण रूप से सहयोग किया है। वास्तव में मैं इनका आभारी हूँ। तो मैं तो एक केवल माध्यम हूँ, आपको गाइडलाइन दे दिया, बस उस निर्देशन पे चलिए। और आप नहीं रहेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँगा? जिस दिन हमारे अगर भक्त हमारे साथ न हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रभु जी की कृपा ना हो, श्याम, इस बार श्याम गोपाल प्रभु जी नहीं आए, इसके चलते मेरे ऊपर कितना भार पड़ा हो तो मैं ही जानता हूँ। तो अगर ये नहीं आएंगे लोग, मैं क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वैष्णव कम्युनिकेशन, वैष्णव का संग और वैष्णव के बीच में एकता, एकमति बहुत ही जरूरी है अगर इस सेंटर को आगे लेके चलना है तो। और जो भी बातें हैं सामने कहनी चाहिए कि प्रभु जी ये शिकायत है, ये कमियां हैं, इसको सुधार किया जाए। सामने नहीं कहेंगे, अन्यत्र कहीं कहेंगे, पीठ पीछे कहेंगे, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता है। अगर इस सेंटर को और चाहते हैं कि यह धर्मपुरा धाम तो हो ही गया है लेकिन एक अद्भुत और गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बने, धर्मपुरा गांव और यहाँ के भक्त, तो एक साथ रहकर और ऐसे कार्यक्रम कराना कौन सी बड़ी बात है? भक्तों का सहयोग हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही सुंदर, हमारे नामहट सेंटर के भक्तों ने बहुत चढ़ बढ़कर सहयोग दिया है, कोई 2,000, कोई 2,500, 3,000, 6,000, 5,000 तक। तो आज तो मैंने लिस्ट नहीं बना पाया हूँ, इसलिए मैं नहीं अनाउंसमेंट कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना जानिए कि गाँव के लोगों का भी बहुत सुंदर प्रयास है, गाँव के लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है, और प्लस नामहट सेंटर के भक्तों ने भी। इस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभी हम लोग कुछ बोलना, अच्छा हाँ, 2 मिनट थोड़ा संगीत माधव प्रभु अनुमोदन करेंगे, इसके बाद भागवत जी की आरती होगी, और भागवत जी की आरती होने के बाद प्रसाद की जो व्यवस्था है मैं अभी बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर कीर्तन चलेगा, भागवत जी की आरती के बाद कीर्तन चलता रहेगा। कुछ माता जी आधा से कुछ कम निकलकर हॉल में चली जाएंगी जैसे प्रतिवर्ष होता है, और हर में खिलाने वाला जो रहेंगे वो माता जी लोग ही रहेंगी, माता जी को माता जी ही सर्विस करेंगी। प्रभु जी में 2-4 प्रभु जी सिंसियर जो है वो लोग गाइडलाइन करेंगे, और प्रभु जी लोग को कार्यक्रम के बाद इसी पंडाल में बैठा कर एक साथ सबको खिला दिया जाएगा 10-20 मिनट के बाद, और बाकी जो माता जी बचेंगी इसी पंडाल में बैठा कर खिला दिया जाएगा। तो लेकिन भागवत जी की आरती और आरती लेने के बाद आप जाएंगे वहाँ पर, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं क्षमा चाहूँगा, इतने वरिष्ठ वैष्णव हमारे गुरु भाई बैठे हैं और मैं अनुमोदन नहीं कर सका इसके लिए। जय श्री राधा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऊंची आवाज में बोलेंगे, जैसे प्रभु जी ने बोला कि कहीं झगड़ा हो जाए गाँव में तो उसमें आवाज़ आती है। झगड़ा तो बड़ी बात है, एक बकरी का बच्चा चला जाए किसी के खेत में, वो इतना जोर चिल्लाएगा लग उसका जान चला गया। लेकिन आपका जो है आयु खा रहा है काल, तो थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलेंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। तो जय श्रील प्रभुपाद और परम पूज्य गुरुदेव और समस्त वैष्णवगण जिनके मुख से मैं अपनी प्रशंसा सुन करके फूल जाता हूँ कि मैं भी किसी लायक हूँ, लेकिन ऐसी बात है नहीं। जरूर मैं जवानी से लेकर के आज तक दृढ़ आस्था के साथ प्रभुपाद जी के वचनों का और अपने गुरु महाराज के वचनों का पालन करने का प्रयासरत हूँ। रमेश बाबा, परम पूज्य रमेश बाबा ऐसे ही जो ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग चल रहे थे उनके साथ, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि कौन कौन इसमें हैं कि हरि नाम प्रचार करने में सहयोग करेंगे, इस व्रत को लेंगे, यात्रा तो 40 दिन में पूरी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। यात्रा 40 दिन में ब्रजमंडल की पूरी हो जाएगी, तो जिस दिन यात्रा पूरी होगी उस दिन से आपको यात्रा चालू होगी। अरे वाह, ऐसा कहा रमेश बाबा जी ने कि 40 दिन में यात्रा तो पूरी हो जाएगी, राधा रानी की यात्रा है, लेकिन आपकी यात्रा कब चालू होगी? जिस दिन बरसाना लवट की यात्रा आएगी उस दिन से चालू होगी। तो बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने यही बात कहा था, मतलब मूल रूप से कि आप लोग जितने संख्या में यहाँ आए हैं अपने गांव में अपने जवार में इर्द गिर्द में इसी हरि नाम का प्रचार करिए। तो मैं अपना नाम दे दिया कि आजीवन मैं वचन देता हूँ कि आजीवन मैं आपके वचनों का अक्षरशः पालन करूँगा। तो बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, तो रघुनाथ प्रभु जी का नाम मैं सुना, इनसे परिचय नहीं था, ये कौन है कहाँ है, थोड़ा सा दो बात यहाँ इनसे हमसे इनके हम मेरे बीच में हुई, तो मैं पूछा कि कितना दिन हुआ आपसे जुड़े हुए। वृंदावन चंद गोस्वामी का नाम लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वृंदावन चंद दास गोस्वामी का नाम ही नहीं लिए बल्कि उनके व्यक्तित्व के अंदर प्रवेश करके कुछ बोले, तो मुझे पता चला कि कितनी प्रतिभा है। इसलिए कि व्यक्ति का पहचान आसानी से नहीं हो पाता है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाया, जो सचमुच वैष्णव है प्रभुपाद जी के निर्देशन में चल रहा है, अपने गुरु महाराज के निर्देशन में चल रहा है अगर सही ढंग से, तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, तो वैष्णव की क्रिया मुद्रा सहज में समझ में नहीं आएगी। जब उस लेवल में उसे अंत में प्रवेश करेंगे तब पता चलेगा। तो इनको पा करके मेरा उत्साह बढ़ा कि जहाँ मैं कहीं जाता हूँ तो प्रचार में उत्साहित किसी को देखता हूँ कि प्रचार में उत्साह है, मुझे बहुत संतोष होता है कि प्रभुपाद जी का हृदय प्रचारात्मक कार्यक्रम में कितना उत्साह भरे हैं अपने वचनों में। तो वह प्रभुपाद जी की वाणी याद आती है, चैतन महाप्रभु की वाणी याद आती है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैवे मोर नाम। तो ऐसे ऐसे महारथी भगवान की कृपा से और उनके माता पिता के पुण्य के प्रताप से धरती माता का जो है ये धरोहर के रूप में आप लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं नाम कितना गिनाऊँ, ये जो राम श्याम प्रभु हैं तो इनको मैं काफ़ी दिन से समझ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। ये लोग भभुआ में सेंटर जब खुला तो वहाँ श्याम गोपाल प्रभु आ गए थे, प्रेरित यानी महाप्रभु के प्रेरणा से ही भभुआ में आ गए। भभुआ में प्रचार करने का बहुत प्रयास हुआ, वहाँ खडिया से निकाला गया संकीर्तन कार्यक्रम निकाला गया, एक आध बार कथा भी हुई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जैसे श्याम गोपाल प्रभु भभुआ में डेरा डाल दिए तो मैं भी आने लग गया, जब पहाड़ से आता था तो मैं चलाता था सेंटर में, तो धीरे 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 मैं देखा कि भभुआ का तो विकास हो ही गया और ये धर्मपुरा धाम के माताओं बच्चियों बहनों को देखता हूँ, आप सभी श्रद्धालुओं को देखता हूँ, तो मुझे संतोष इस बात से होता है कि प्रभुपाद जी का मिशन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, बहुत प्रसन्नता होती है अंदर से। और मैं क्या आशीर्वाद दूँगा,
मैं क्या आशीर्वाद दूंगा और आपकी क्या प्रशंसा करूंगा। इसलिए किस कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, मेरे पास वाणी नहीं है कि कितना महान कार्य कर रहे हैं, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये तो केवल महाप्रभु जानते हैं या भक्ति विदान स्वामी जहाँ कहीं भी होंगे गोलोक धाम में वो देख रहे हैं। तो समय अभाव के कारण मैं वाणी को विराम देने के पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ बार बार प्रेरित किया जा रहा है कि आप झोली माला लीजिए, झोली माला लीजिए, भगवान का भजन करिए। इस कलयुग में नाम के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो आप लोगों के साथ बहुत भारी धोखा भी पीछे पीछे चल रहा है। जितने साधक कटिबद्ध हैं नाम जप करने के लिए, ये नाम हर सेंटर को बनाए रखने के लिए, जिनका उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, उनके सामने क्या हानि है? कई प्रकार की विविध प्रकार की बाधाएं आएंगी आपके सामने। गोपालाचार्य जो दक्षिण भारत के संत हैं, उन्होंने अपने लेक्चर में कहा था कि धर्म कार्य करने का जो संकल्प लिया जाता है, धर्म कार्य करने के लिए मन में किसी के संकल्प हुआ तो 1000 बाधा आएगा। अगर इस मिशन में इस कार्यक्रम के लिए आप थोड़ा सा मन उसे मैं भी कुछ दे दूं क्या, मैं भी कुछ, बहुत लोग दे रहे हैं, मैं भी दे दूं क्या, कितना दूं, दूं कि नहीं दूं का पीछा है। तो ज़्यादातर कुछ संपर्की लोग से पूछेंगे कि भाई हम भी जुड़ना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। संपर्की लोग से अपने मित्रों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, अरे यार ये झंझट है, क्यों फंस गया, लग जाओगे तो बार बार देना पड़ेगा। एक बार दे दिया तो लोग आशा में रहेंगे, दोबारा मांग करेंगे। तो 1000 बाधा आएगी। धर्म कार्य का संकल्प जैसे ही आप लेंगे, आपके सामने 1000 बाधा आएगी। और कहीं नाम जप करने का संकल्प लिए कि अब उम्र भर नाम जप करेंगे तो कम से कम 1,00,000 बाधा आएगी, 1,00,000 बाधा आएगी। अरे लोग यही ऐसे हरे कृष्णा करते रहते हैं, कोई काम न धंधा, अढ़ाई रोटा बंधा, क्या करते हैं, गाल बजाते हैं बैठ करके, काम भी डिस्टर्ब होता है और धन भी जाता है, समय भी जाता है। तो ऐसे समझाने वाले लोग हैं। और चाहे अप संप्रदाय रगन वगैरह प्रभु व्यास मन से बोले थे, तो व्यास मन से बोलने का अर्थ होता है कि जिनका यह संपत्ति है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जो संपदा है, तो संपदा के अधीश्वर हैं स्वयं भगवान। तो वहाँ से भगवान ही वक्ता के श्रीमुख से प्रस्तुति करते हैं, सुनाते हैं। तो कई चमत्कारी बातें आती हैं प्रभु जी के श्रीमुख से। मैं तो पहल मतलब इनका संयोग हुआ, मेरा सौभाग्य है कि इनका दर्शन लाभ मिला, संपर्क हुआ। तो कई चमत्कारी शब्द आते हैं जो शास्त्र में नहीं है, वो भागवत में नहीं लिखा गया है, लेकिन भगवान निकाल देते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हर 15 रोज पर एक न एक नया धर्म संप्रदाय जन्म ले रहा है इस कलयुग में। हर 15 दिन के बाद आप पता लगाएंगे, हर 15 रोज के बाद एक न एक नया संप्रदाय निकल रहा है। वो संप्रदाय क्या कर रहा है, तो सनातन धर्म के जड़ को ही काटने पर पड़ा हुआ है। अब कुछ संप्रदाय मेरे दिमाग में आ रहा है, उनका नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि हमारे गुरु महाराज जी मना किए हैं कि किसी भी धर्म संप्रदाय का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नाम का प्रचार करिए, भगवान के संबंध में बताइए, गुरु महाराज का आदेश है। और कहीं ज़्यादा बहस मत करिए, लेकिन गुरु महाराज का आदेश का उल्लंघन मेरे द्वारा कब हो जाता है, जबकि सनातन धर्म के परंपरा में सिद्धांत का हनन होता है। तो सिद्धांत का हनन करने वाले व्यक्ति के सामने मैं डट जाता हूँ, मुकाबला करता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ। इसलिए कि सिद्धांत बलिते ना करे आलस। सिद्धांत बोले में आलस मत करिए, पीछे मत हटिए, बोलिए। तो आज जो अब धर्म पैदा हो रहा है उसे सावधान रहिएगा। अब आप समझिए कि कितना संप्रदाय चल रहा है। ठीक है। तो दो मंत्र मनोधर्मी लोग दो मंत्र बनाए हैं। शिवचर्चा आप लोग जानते हैं, शिवचर्चा में मंत्र बनाया गया है।
और एक देवी का चर्चा चल उसमें बनाया गया है, बनाया गया है। तो हमारे बगल में एक बार चर्चा हो रहा था, हरे देवी हरे देवी, देवी देवी हरे हरे, हरे बाबा हरे बाबा, ये महा इसको महामंत्र बना करके रात भर चला। ये कोई मंत्र है, ये कोई वैदिक सिद्धांत है, कहीं कुछ की चर्चा नहीं है। इसमें बहुत लोग जा रहे हैं, उनका सत्यानाश हो रहा है। तो जो भी आप भजन करें, जप करें, कीर्तन करें, भजन के सावधान रहें ऐसे आप धर्मियों से। ये लोग भेड़ बकरी की तरह घूम रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, उनके पास विकल्प कुछ नहीं है, परंपरा कुछ नहीं है, बेस नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को संबोधन देते हुए बार बार हमारी विनती है, प्रार्थना है माताओं से, बच्चियों से, बहनों से कि आप लोग झोली माला संभाल रही हैं तो भले दो ये चार माला हो, ज़्यादा ना हो, लेकिन सतर्क होकर के इसको अपनाइए। और यही जीवन की संपदा है, यही धन है, यही संपदा है, यानी सब कुछ यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कहो माँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना से जग जाइए, जग करके भगवान का भजन करिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। तो अभी कुछ माताजी लोग आज भी जप माला लेने वाली हैं। सलोनी कुमारी, सलोनी कुमारी, कुनीता पाठक, सलोनी कुमारी बराड़ी से हैं प्रभु जी, यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से वो हैं। और कुनीता पाठक खखड़ा माताजी लोग हैं आज। रंजीता कुमारी, गायत्री कुमारी, ये इनका है। सलोनी कुमारी, स्पेशल गिफ्ट भी है प्रभु जी के द्वारा, जिसपे अब आप पढ़ेंगे तो खुद पता चलेगा। ठीक है, रख दीजिए वहीं पे। हरे कृष्णा, आप लोग बोलते रहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पुनीता पाठक, हरे राम हरे राम 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 हरे। ये खखड़ा से हैं। हरी बोल। और ये दो झोली माला, ये यहीं की बेटी हैं, इनका विवाह बगनी हुआ है, कुद्र कोचस परसतुआ के लगभग में है, तो वहाँ अपनी सास और ननद के लिए ले जा रही हैं। हरी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, गायत्री कुमारी, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। नाम बोल दीजिए, दो चार नाम बोल दीजिए ताकि जल्दी। मीना देवी, मंजू देवी, नेहा कुमारी, जब करो बेटा, इसकी मम्मी जब करती है और इसकी चाची भी। हरी बोल। मीना देवी और मंजू देवी, नेहा कुमारी, मीना देवी ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मंजू देवी, नेहा कुमारी, अंजू देवी, रितिका कुमारी, अंजू देवी और रितिका कुमारी, आइए मंजू देवी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। नेहा कुमारी अच्छे से जप कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल। ओ, हमारे नामवर सेंटर के भक्त हैं शिव बच्चन जी, उनकी नातिन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होइए, भागवत जी की आरती होगी।
भागवत जी की आरती के बाद माता जी लोग की कुछ टुकड़ी, कुछ माता जी सीधे डायरेक्ट हॉल में जाएंगी और कुछ माता जी यहाँ पर कीर्तन और डांस का आनंद लेंगी। साथ ही साथ आज शाम में भी बहुत सुंदर कार्यक्रम है, संध्या आरती, बहुत सुंदर भागवत क्लास प्रभु जी के द्वारा, इसके बाद बहुत सुंदर श्याम गोपाल प्रभु जी के द्वारा ऑर्गेनाइज बहुत सुंदर लीला। हरी वो जय हो, जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती अति पावन पुराण की, 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 धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रित परिवारिणी, जन्म मृत्यु सकल सुखकारिणी, सतत सकल सुखकारिणी, सोम हो सधि हरि चरित गान की, सधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन रसिक हृदय रस रास विलासिनी, हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सब लोग हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम कीर्तन होगा अभी। और अभी माता जी लोग से आग्रह है कि पीछे जो भी माता जी खड़ी हैं तो वे लोग हॉल में चले जाएं, प्रसाद सर्विस चालू होने जा रहा है और बाकी लोग अभी कीर्तन करें। 10 मिनट तक चलेगा, 10 मिनट के बाद सारे प्रभु जी लोग इसमें बैठ जाएंगे और जो माता जी बची रहेंगी इसमें या फिर हॉल में। अभी पीछे से माता जी लोग जाइए प्रसाद वहाँ सर्विस और खिलाने के लिए जो सर्विस करना चाहती हैं बच्चियाँ विशेषकर वे लोग चली जाएँ। हरे कृष्ण
तो हमारे बीच संगीत माधव जी जो संगीत सम्राट हैं, सबको कीर्तन करके भजन गा कर नचाएंगे। ध्यान रखिए, शाम में भी कार्यक्रम है, शाम में संध्या आरती, कथा और बहुत सुंदर लीला, ड्रामा लीला का भी कार्यक्रम है आज। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे
हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे